कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया ने पूर्व सैनिकों से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया है। विधायक ने खाईबगड़ स्थित आर्मी कैंटीन में पूर्व सैनिकों से मुलाकात करते हुए कहा कि आज उत्तराखंड की पहचान वीर सैनिकों के कारण है। उत्तराखंड के वीर सैनिकों ने विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने स्टोर रूम बनाने, वाहन की व्यवस्था करने, पार्किंग स्थल का निर्माण करने की मांग की। पूर्व सैनिकों की मांग पर विधायक सुरेश गड़िया ने हॉल निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। पूर्व सैनिक संगठन की खाईबगड़ कपकोट में एक आम बैठक विधायक जी के कहने पर हमने बुलाई से, जिसमें तमाम हमारी महिलाएं, पेंशनियर और उनके परिवार के सदस्य वो सब लोग यहाँ कैंटीन की सुविधा लेने के लिए आए हुए हैं। विधायक जी से डिमांड कर रखी, एक तो 30x40 फीट कमरे का हॉल का एक डिमांड वो कर रखी है। दूसरी डिमांड हमारी है गाड़ियों के पार्किंग के लिए यहाँ पर वो जगह मिल जाए, जगह तो है थोड़ा, उसको पार्किंग बराबर कर दिया जाए। और कैंटीन के आगे से रोड जारी था, उसमें 2-4 ब्रेकर PWD से लगवाए दिए जाए। करीब 4 डिमांड हमारी हैं। ये पिछले साल 26 मई 2022 से कार्यरत है और इसमें तकरीबन 3,500 लोग हमारे पास सुविधा अभी वर्तमान में ले रहे हैं। इसके अलावा अभी विधायक से निवेदन है कि वो एक हॉल टाइप का बना करके दें। सैनिक संगठन कपकोट की ओर से आयोजित माननीय विधायक जी की उपस्थिति में एक संवाद कार्यक्रम तैयार करा गया है। वास्तव में जिस प्रकार से कपकोट में जब से विगत 1 साल हो गया है कैंटीन आए हुए, लेकिन कुछ मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशानी का सबब बना हुआ है। आज माननीय विधायक जी की उपस्थिति में पूर्व संगठनों द्वारा एक कार्यक्रम करा गया है। वास्तव में जिस प्रकार से लगभग 4,500 लोग इस कैंटीन से लाभान्वित हो रहे हैं, 4,500 लोग का लाभान्वित होना मतलब 20,000, माने एक परिवार में 5 लोग भी हैं तो 20,000 लोग इस कैंटीन से लाभान्वित हो रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार से सैनिक संगठन द्वारा माननीय विधायक जी को एक प्रस्ताव दिया गया है कि हमको एक 50x60 का एक हॉल, जो मॉल टाइप में हम यहाँ पर कैंटीन जिसमें मॉल टाइप में डेवलप हो पाए, उसकी मांग करी गई है। मैं इसी के साथ साथ माननीय विधायक जी से भी अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर जब से कैंटीन खुली है पार्किंग के लिए जगह नहीं है और कुछ कैंटीन के कर्मचारी की गाड़ी भी सड़क में ही रहती है, सड़क सक्रिय होने के कारण यहाँ पर जाम की स्थितियाँ लगातार बनी रही हैं। और मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध भी करूँगा कि आपके माध्यम से यहाँ पर एक पार्किंग डेवलप हो जिससे कि ये जाम की स्थितियाँ ना बने। और बहुत अच्छी बात है कि जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार लोगों का आना जाना बन रहा है, उन लोगों की सुविधा को देखते हुए नगर पंचायत के पास भी सीमित संसाधन है, फिर भी हमने चाहे वो स्ट्रीट लाइट के माध्यम से हो, चाहे महिला शौचालय पुरुष शौचालय के माध्यम से हो, चाहे पेयजल योजना के माध्यम से हो, और लगातार हर हफ्ते में 2 दिन जो हमारे नगर पंचायत के पर्यावरण मित्र यहाँ पर साफ सफाई भी होने की जिम्मेदारी है। और मैं इसी परिप्रेक्ष्य में जितने भी हमारे खासकर ये अपने सैनिक संगठन के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल सर जोशी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने आज बहुत बढ़िया माहौल में माननीय विधायक जी को यह प्रस्ताव दिया है और निश्चित रूप से बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई हो पाएगी। आज पूर्व सैनिकों के साथ मिलने का बहुत लंबे समय से एक मांग थी, तो उसके तहत हम आज यहाँ आए हैं और पूर्व सैनिकों के लिए जो कैंटीन यहाँ खुली है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, माननीय श्री अजय भट्ट जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के सहयोग से हम 1 साल के अंदर इसको करने में सफल हुए हैं और धीरे धीरे यहाँ पर और भी सुविधाओं को बढ़ाने की मांग हुई है, तो उसके तहत हमने आज 5 लाख रुपए
विधायक ने इसे देने की बात कही है और आने वाले दिनों में जो उनकी 15 लाख रुपए का एस्टिमेट है उसको भी धीरे धीरे पूरा करने का हमारी सरकार के द्वारा हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा। और मैं जितने भी कपकोट विधानसभा के पूर्व सैनिक बंधु हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनकी सुख सुविधाओं के लिए सरकार से जो जो भी स्कीम चल रही है उसको यहाँ प्रमुखता के साथ लागू कराने के लिए प्रयास भी करूँगा। और जो उन्होंने मांग रखी है कि 15 दिन में और महीने में एक बार जो उनकी मेडिकल टीम है वो भी यहाँ पर प्रवास करे, उसके लिए आज ही मैं तत्काल प्रभाव से सैनिक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से भी बात करूँगा और जिलाधिकारी और उनसे भी कहूँगा कि हमारे पूर्व सैनिकों को किसी भी तरीके का कोई कष्ट न हो और उनकी परेशानियों को दूर करना हमारी सरकार का भी मकसद है, वही हमारी मंशा भी है। तो इसलिए हम सैनिकों के लिए उनके सम्मान के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। CGN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।